ने इंसान तो जैसा उसके हक़ में लिखा है जाता है लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से वो पकड़वाया गया अज़ीज़ मोमन खुशपुर से ज़बारिया कन्ज़ा का आप सबको सलाम तेरह अप्रैल बुध का दिन हमारे लिए आज की तलावत अजीले मुक़दस बामब मत्ती उसका छब्बीसवा बाब चौदहवीं आयत से लेकर छब्बीसवीं आयत तक तब उन बारह में से एक जिसका नाम यहूदा अस्करूती था सरदार कहनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं, तो मुझे क्या दोगे और उन्होंने उसे तीस मस्काल तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूँढने लगा और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यसु के पास आकर कहा तो कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें उसने कहा शहर में फ़लाँ शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है मेरा वक्त नज़दीक है मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फंसा करूँगा और जैसा यसू के शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फंसा तैयार किया जब शाम हुई तो वो बारह शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा और वो बहुत दलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा ए खुदावन क्या मैं हूँ उसने जवाब में कहा जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक़ में लिखा है जाता है लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा अः रब्बी क्या मैं हूँ उसने उससे कहा तूने ख़ुद ही कह दिया जब वो खाना खा रहे थे तो यसु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ ये मेरा बदन है पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाए ऐमसी तेरी सतश हो आमीन बाप और बेटे और रुहुल कुद्स के नाम में आमीन खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर आज की तिलावतों पर ध्यानो ज्ञान के साथ आप सब की ख़िदमत में हाजिर है अज़ीज़ मोमन आज की पहली तिलावत इशाया नबी की किताब के पचासवें बाब से ली गई है जहाँ इशाया नबी कहता है कि मुझे शागिद की ज़ुबान बख्शी गई ताकि सीख लूँ कि तालीम कैसे देनी है अम्बिया कराम को उन कानों की भी वैसी ही ज़रूरत है जैसी शगिरद की ज़ुबान की क्योंकि ज़रूर है कि वो खुदा के मुंह से उसका कलाम ध्यान और तवज्जे से सुने और उसका सही सही बयान कर सकें ज़रूर है कि हमें हर सुबह जगाया जाए सुबह को हमारी जाने ताज़ा दम और शगत होती हैं इसलिए सुबह का वक्त खुदा के साथ रफाकत के लिए नहायत मुनासब वक्त है मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से ना छुपाया ये सब कुछ खुदावद यसु मसी ने हमारी खातर बर्दाश्त किया और रज़ा कराना किया ताकि हम कायल हो जाएं कि वो हमें नजात देने पर राज़ी है अजीज मोमन आज की पाक इंजील मुक़दसमती के मुताबिक इंजील के छब्बीसवें बाब से ली गई है अजीज मोमन चारों अंजील नवीस खुदावद यसु मसी के दुखों और मौत के बारे तफसील से लिखते हैं इस बाब से इन्हीं यादगार वाकयात का बयान शुरू होता है खुदावद यसु मसीह के बारह रसूलों में से एक यहूदा अस्कर युती था उसने सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूँ तो मुझे क्या दोगे सिर्फ़ यही बात थी जिसने यहूदा से अपने मालिक के ख़िलाफ़ गद्दारी कराई उसे रुपए मिलने की उम्मीद थी उसे अपने मालिक से नफ़रत ना थी दुश्मनी ना थी मसीह के साथ कोई झगड़ा ना था सिर्फ़ पैसा से प्यार था सिर्फ इसी बात ने यहूदा को गद्दार बना दिया थैली उसके पास होती थी जो उसमें डाला जाता था वो निकाल लेता था उसे ना खाने की ना रोटी की ना पहनने को कपड़ा ना सहूलियात और ना ज़रूरियात की चीज़ें चाहिए वो बदबخت शख्स कनायत ना कर सका ज़र की दोस्ती तमाम बुराई की जड़ है सरदार काहिनों ने उससे सौदा कर लिया उन्होंने उसे तीस मस्काल तोल कर दे दिए शरीयत के मुताबिक चांदी के तीस सिक्के एक गुलाम की कीमत थी खुदावद यसु मसी की कीमत एक ग़ुलाम की कीमत के बराबर लगाई गई वो उस वक्त से उसे पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा गुनाह करने का मौका तलाश करना भी बड़ा गुनाह है क्योंकि ये इंसान के दिल को बुराई करने पर उभारता है शागिर्दों ने पूछा तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें वो उसकी हदायत के बग़ैर किसी जगह का तयन नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसे पूछा उसने उन्हें फला शख़्स के पास भेजा ये शख़्स गालबन उसका पैरोकार था उससे कहना उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है और इसके मुताबक सब कुछ करने में मसरूफ़ था उससे कहना कि मैं तेरे यहाँ फसा करूँगा ये उसके इख्तियार की मिसाल है उसने दरख्वास नहीं की बल्कि हुक्म दिया कि मैं इस मकसद से तेरा घर इस्तेमाल करूँगा खुदाद यसु मसी ने शागिरदों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया खुदावंद यसु मसीह ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा यसु मसीह अपने दुखों और मुसीबतों के बारे में सब कुछ जानता था वो ये सुनकर परेशान हो गए कि हमारा मालिक धोखे से पकड़वाया जाएगा हर एक उससे कहने लगा ए खुदावंद क्या मैं हूँ यसु मसीह ने कहा जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा यहूदा ने भी कहा कि अ रबी क्या मैं हूँ यसु मसीह ने फ़ौर इस सवाल का जवाब दिया तूने ख़ुद कह दिया खुदावंद यसु मसीह ने पाकिस्ट का साकरामिनट आखिरी खाने के मौका पर मुकर किया जो मोहब्बत और शुक्रगुज़ारी का सक्राम है आए पाक हफ्ता में हम अपनी जिंदगियों का जायज़ा लें और ख़ुदा से मदद मांगें कि वो हमें अपनी जिंदगियों की आखिरी सांस तक खुदा के साथ वफादार रहने में मदद करे ताकि हम जूठे मसीह की गवाही अपनी ज़िंदगी से दे सकें मसीह खुदावंत के वसीले से आमीन